हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, किसी भी भाषा को हमें पढ़ना सीखना हो तो उसके वर्णों यानी कि अक्षरों को समझना जरूरी होता है। हमारी हिंदी भाषा में भी ऐसे वर्णमाला दी हुई है, वर्ण यानी कि अक्षर। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? स्वर। और उसके बाद आता है व्यंजन। तो मैं आपको सबसे पहले स्वरों का अभ्यास करवाऊंगी। तो आप अपनी हिंदी किताब में पेज नंबर 15 पर जो स्वरमाला दी हुई है वो निकालिए। देखिए, यहाँ आपको सभी स्वरों का परिचय चित्रों के साथ दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगी, उसके बाद इन स्वरों को किस प्रकार से लिखना है वो सिखाऊंगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले स्वर कौन सा आता है? अ। कौन सा स्वर आता है? अ। अ से क्या होगा? अनार। क्या होगा? अ से अनार। उसके बाद अ के बाद क्या आता है? आ। आ से आम। क्या होता है बच्चों? आ से आम। उसके बाद छोटी ई। ई से क्या होगा? इमारत। इमारत यानी कि यहाँ बिल्डिंग दी, बिल्डिंग का चित्र दिया है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? इमारत। ई से इमली भी होता है। अब छोटी ई के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। बड़ी से क्या, कौन सा चित्र दिया है? ईक। गुजराती में हम उसे शेरडी कहते हैं ना, उसे हिंदी में ईक कहते हैं। ई से ईक। उसके बाद छोटा ओ। उसे उपहार। उसे उल्लू भी होता है, और भी कई सारे नाम होते हैं। छोटे ओ के बाद क्या आएगा? बड़ा ओ। तो उसका उच्चारण कैसे होगा? ऊ। ऊ से ऊन। उसके बाद ऊ के बाद क्या आता है? रू। रू से रूसी। फिर रू के बाद ए। ए से एक। फिर ए के बाद ऐ। ऐ से ऐनक। फिर ऐ के बाद आएगा ओ। ओ से ओखली। फिर ओ के बाद आएगा औ। औ से औरत। उसके बाद औ के बाद आएगा अन। अन से अंगूर। और आखिर में क्या आएगा? अह। अह से नमः। अह का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा के शब्दों में ही होता है, जैसे कि अंत, अतः, प्रातः, नमः आदि। तो एक बार फिर से दोहराएंगे, कौन कौन से स्वर है? अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। समझ में आ गया बच्चों? अब हम ये सभी स्वर लिखना सीखेंगे। पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ आपकी किताब में देखिए, पेज नंबर 16 पर निकालिए बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पहला स्वर दिया है अ। तो हम ये सबसे पहले अ लिखना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, अ से क्या होता है? अनार। मैंने सिखाया ना आगे आपको। और दूसरा किसका चित्र दिया है? अजगर का। उसका नाम भी अ से ही शुरू होता है, यानी उसका पहला वर्ण भी अ है। ये अ से अजगर भी होता है। अब हम इसकी लिखावट सीखेंगे। तो यहाँ पर आपकी किताब में आप ध्यान से देखिए, इसे नंबर दिए होंगे 1, 2, 3, 4 और 6।
आपको इसे स्टेप बाय स्टेप लाइन खींचते हुए इसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो वन नंबर दिया है वहाँ से आपको ऐसे करते हुए धीरे धीरे पेंसिल से ऐसे करके यहाँ तक लाना है, फिर वापस ले जाकर यहाँ ए टू नंबर वाला है ना, वो लिखना है। उसके बाद पेंसिल उठा लेनी है, उसके बाद यहाँ थ्री नंबर वाली लाइन बनानी है ऐसे, उसके बाद थ्री के बाद क्या आता है, फोर, तो ये फोर नंबर वाली लाइन आपको ऐसे बनानी है। और उसके बाद ये लाइन बनाई आपने, उसके ऊपर ऐसी सीरो रेखा यानी स्लिपिंग लाइन ऐसी इतनी ही बनानी है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सीरो रेखा, वो सबसे लास्ट में सभी वर्णों पर आती है। इसी प्रकार से आपको नीचे यहाँ डॉट करके ये वर्ण दिया है, उसमें आपको लिखते जाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ये लिखकर बताती हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले वन नंबर वाला किया था ना, ऐसे करके ऐसे, फिर वापस ऐसे करके ऐसे ऊपर, फिर एक थ्री नंबर वाली लाइन, फिर ये फोर नंबर वाली स्टैंडिंग लाइन और ऊपर ये स्लिपिंग लाइन यानी कि सीरो रेखा। इसी प्रकार से आपको ये सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। अब ओके बाद क्या आता है, आ, पहला स्वर कौन सा है, अ, ओके बाद आ, तो आ से आम, फिर दूसरा कौन सा चित्र है, आ से आइसक्रीम और आ से आठ, तो उसकी लिखावट भी अ की तरह ही हमें पहले तो करनी है, लेकिन इसमें ये दूसरी डंडी लगानी है। देखिए आपने, तो मैं इसकी लिखावट आपको समझाती हूँ। पहले हमने जैसे जिस प्रकार से अ लिखा उसी प्रकार से आपको ये भी लिखना है, वन नंबर वाला, फिर ए टू नंबर, फिर ए थ्री नंबर, फिर ए फोर नंबर वाली लाइन बनानी है, उसके बाद ए लाइन ज्यादा इसमें आती है। देखिए, में हम ऐसी एक ही लाइन बनाते थे ना, लेकिन इसमें हमें ऐसी दूसरी भी लाइन यहाँ खींचनी है और इन दोनों को जोड़कर ऊपर ऐसी एक स्लिपिंग लाइन यानी कि सीरो रेखा हमें करनी है। समझ में आ गया, नीचे एक बार मैं लिखकर बताती हूँ आपको। देखिए, ऐसे करके ऐसे, फिर वापस इस तरह से, फिर ए वाली लाइन, फिर ए स्टैंडिंग लाइन, ये दूसरी स्टैंडिंग लाइन और इन दोनों को मिलाकर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, ये हो गया हमारा आ, आ से आम। इसी प्रकार से आपको ये चारों लाइन भी कंप्लीट करनी है। समझ में आ गया आपको, अ और आ की लिखावट समझ में आ गई ना। अब अ और आ के बाद क्या आएगा बच्चों, चलो देखते हैं क्या आता है, छोटी ई। आ के बाद क्या आएगा, छोटी ई, तो उससे क्या होता है, ई से इमली, फिर ई से इनाम और ई से इडली। समझ में आया, अब उसकी लिखावट देखेंगे। कहाँ है वन नंबर, यहाँ पर, तो यहाँ ऐसी छोटी सी लाइन बनानी है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे टू नंबर पे है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ले जाना है, फिर ए थ्री नंबर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर ले जाकर फोर नंबर से यहाँ से आपको वापस नीचे लाना है। समझ में आ गया, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, ऊपर ए स्लिपिंग लाइन यानी कि सीरो रेखा बनानी
है। अब हम मैं आपको नीचे लिखकर बताती हूँ। सबसे पहले ये छोटी वाली लाइन, उसके बाद इस तरफ ले जाना है, फिर वापस ऐसे, फिर वापस पीछे, फिर ऊपर ले जाकर वापस नीचे लाना है और ऊपर लगानी है सिरो रेखा। इसी प्रकार आपको ये चारों लाइन कंप्लीट करनी है। छोटी ई की बात क्या आएगा, बड़ी ई, तो बड़ी ई से क्या होता है, ईद, देखा उसका पहला वर्ण बड़ी है ना, तो ई से ईद, ई से ईक और ई से ईदगाह। अब हम उसकी लिखावट समझेंगे। तो ये छोटी ई जो हमने सीखी उसी प्रकार से ये भी लिखनी है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा रेप लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये वन नंबर से आपको शुरू करना है, फिर ऐसे करके ए वाला इसे मोड़कर आपको वापस ऐसे लाना है, फिर ये थ्री नंबर, फिर ऐसे ऊपर ले जाकर वापस नीचे लाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऊपर जो सिक्स नंबर पे दिया है वो सिरो रेखा बनानी है, और सिरो रेखा के बाद आपको ऐसे ऊपर रेप लगाना है। ये हो गई बड़ी ई। नीचे एक बार हम सीखेंगे, देखिए यहाँ ये छोटी वाली लाइन, फिर इस तरफ ले जाना है, फिर वापस ऐसे इस तरफ लाना है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, उसके ऊपर सिरो रेखा लगानी है और ये रेप करना है। ये हो गया बड़ी ई। इसमें भी आपको ये चारों लाइन भी कंप्लीट करनी है, और ये जो बड़े ई की है वो चारों लाइन भी आपको लिखकर कंप्लीट करनी है। तो आपको अ आ ई और ई किस तरह से लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।